Yes, anyone has any doubt can ask. सर मेरे दो डाउट्स हाँ थे बोलो। सर। अब तो सर जम्मू एंड कश्मीर सर यूनियन टेरिटरी बन गई, और सर लद्दाख भी, तो सर हम नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट सर उन्हें तो बोल नहीं सकते, तो सर हिमाचल प्रदेश को बोलेंगे। नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट आप बोल नहीं सकते, हिमाचल प्रदेश। ओके ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था सर। नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट आप ऐसे कह लो, फिर उसके बाद टेरिटरीज, अगर ओवरऑल टेरिटरी कहा जाए तो फिर आ जाएगा लद्दाख। और सर इसमें उसमें आप, लद्दाख आएगा सर या फिर, हाँ लद्दाख आएगा ना। ओके सर। फिर जम्मू एंड कश्मीर अगर आप देखा जाए तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, है ना, क्योंकि हमने जो यूटी बनाया है, हम लोगों ने तो वो यूटी बनाई है जो कि अभी हम लोग ऑक्यूपाइड, मतलब हमारे अंडर में है। कुछ हमारी टेरिटरी है जो कि फॉरेन कंट्रीज के अंडर में, पाकिस्तान के अंदर में, पीओके, तो वो भी इंटीग्रल यस पार्ट सर। है ना, इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, लद्दाख को फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रख पाएंगे हम। समझ में आई सर बात? तो यस और क्या डाउट है सर। बताइए। सर सिलेबस से हटके सर एक डाउट था सर, हम अफगानिस्तान को सर अपनी नेबरिंग कंट्री सर कैसे बोल सकते हैं, अगर सर जो एरिया से सर जहाँ पे बॉर्डर्स मिलते हैं सर वो तो पीओके है। तो पीओके है, तो पीओके तो अपना ही है ना। पीओके अभी में तो देखो दो दो देखो दो तरीके से इस बात को समझो, इसमें दो पहलुए हैं, बातों में दो तरीका नहीं, दो पहलुए हैं। एक है आपका कि जो ओवरऑल अगर आप मैप देखो, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को, इंडिया का, तो उसमें क्या जिस रीजन को आप बता रहे हो, क्या वो रीजन मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया से हटा है जो नो पीओके सर। बता, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड है ना, यस तो हमारा नेबर हुआ। जब सर। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में वो रिप्रेजेंट नहीं होगा तब हम कहेंगे ना कि वो मैप हमारे नेबर नहीं है। जब पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया हमारे पास है तो हम कहेंगे कि हमारा नेबर है। जो मैं दो पहलू बात बात कह रहा था, एक है डी ज्यूरे और एक होता है डी फैक्टो। तो जो डी ज्यूरे है वो हमारे पास है, मैं बाय लॉ, ठीक है, बाय एज पर कन्वेंशन जो भी साइन हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के का जो है टेरिटोरियल पार्ट है। अब उसमें इलीगली किसी ने जो है ऑक्यूपाई कर रखा है, ओके, तो डी फैक्टो प्रैक्टिकली कोई और वहां पे है। समझ में आई बात? ओके सर, जब तक लीगली हमारे पास है सर जब तक अफगानिस्तान माना जाएगा। हाँ, जब, हाँ बिल्कुल, डी जूरे इफेक्ट है हमारे पास है और हम माना जाएगा उस हिसाब से। ओके सर। और कोई डाउट? एनी अदर डाउट एनीवन हैज? और किसी बच्चे का कोई डाउट है?
किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो। सर, Yes। मेरे को सर जो टेस्ट हुआ था हाँ उसमें डाउट बताओ। था सर। क्वेश्चन नंबर 32 जो था सर, द वेस्टर्न कोस्टल ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एज, तो उसमें कौन कौन होना चाहिए ना सर? हाँ, साउथ ऑफ गोवा साउथ ऑफ कन्नड़ गोवा है ना? यस सर, सर, उसको लेकिन सर करना। बुक में तो लिखा है सर मुंबई गोवा। कन्नड़ आंसर होगा बेटा उसका। ओके सर, अच्छा, आप लोगों का फेस टेस्ट कैसा गया? सभी बच्चों का फुल सर गुड सर अच्छा गया। मार्क्स आ जाएंगे? आप लोगों के फुल मार्क्स आ जाएंगे, 50 out of 50 आ जाएगा फेस टेस्ट में। सर हो गया फेस टेस्ट तो। तो मार्क्स 50 out of 50 आ गए हैं। यस सर। चलो के तो किन किन बच्चों का 50 out of 50 आया है? सर वैभव, वैभव, वेरी गुड वैभव, बहुत अच्छी बात। आप लोग सर मेरे तो 46 आए हैं। ओके। तो आप लोगों का आप में से कोई बच्चा है दिल्ली में जो कि एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर हमें पर सर अगले साल देंगे। मतलब आपके जान पहचान में अगर कोई है तो बता देना कि एनटीएससी का फॉर्म आ गया दिल्ली वाला। ओके यस सर, मैं ओके पता है उन्हें। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों का मार्क्स चेक कर लें पहले। किसी बच्चे को फेस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ जानना नो चाहते सर। हैं? इजी पेपर था, पेपर इजी था ना? यस सर। चलो वेरी गुड, लेट मी चेक। डाउट पूछ लो। मीन वाइल यू हैव दिस इज योर डाउट सेशन, यू नो, सो यू नीड टू आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट। वैभव ने, वैभव, वेर इज वैभव? सर हमारी रैंक 1 आई है फेस टेस्ट में। सर सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करी अभी। स्क्रीन दिख रही है? यस सर, अब दिख रही है। तो ये वैभव का है पेपर। और वैभव, आपने डीपीपी सॉल्व नहीं की एक भी? करिए डीपीपी के जो है कि डेटा नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपके। सर, सारी डीपीपीस कर रखी हैं। ओके चलो, ये जीएसटीएससी फेस टेस्ट रिपोर्ट कार्ड देखते हैं आपका। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने 186 मार्क्स ऑब्टेन किए, वेरी गुड। थोड़ा सा इनके लिए क्लैप करिए बाकी बच्चे। वेरी गुड वैभव, ट्रिमेंडस जॉब। दो बच्चे ही बस क्लैप कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्लैप करिए अच्छे से।
ओके चलो, बहुत अच्छी बात है वैभव, आप थैंक बहुत यू। अच्छा कर रहे हैं। अदर जो भी देखा जाए, दूसरे बैच में भी देखें तो उसमें भी हैं अच्छे बच्चे, बट अच्छे बच्चों में आप अब इंक्लूड होंगे इंस्टीट्यूट के, बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सा और मेहनत करिए, ऐसे ही मेंटेन करके रखिए, आप अच्छा करेंगे। ओके सर रैंक यस सर। रैंक 1 तो मेरी आई है, पर इस वाले टेस्ट में ओके क्या नाम बताया? सौरन। सर जैद 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 चौधरी है ना, जैद जैद। जैद ओके, वेरी गुड। बट यू नीड टू वर्क हार्ड जैद। सर, हमने करे सारे अटेम्प्ट थे, वो बाद में सबमिट नहीं हो पाया सही से। ओके ओके चलो ठीक है, और मेहनत करो। आपने सोशल में अच्छा किया है, 39 आपके आए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी करिए। फिजिक्स में आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, मैथ्स में भी एक नहीं दिख रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बीच में? सर करे हमने सारे थे, पर वो सबमिट प्रॉब्लम हो गई थी करने में, सबमिट सही से नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं, और अच्छे से मेहनत करिए। और किस बच्चे का है नेक्स्ट? जोचना, कैसा गया पेपर? पेपर यस अच्छा गया? सर ठीक था। चलो देखते हैं जोचना का। ओके 47, चलो ठीक है, अच्छा है, अच्छा कर रही हैं आप। 164, वेरी गुड, बट और अच्छा होना चाहिए जोचना। ओके इट शोज दैट यू आर सर वर्किंग हार्ड। ओके ओवरऑल 1934, 30 ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट आपको और मेहनत करना है। आपको जो है कि फिर तभी आप टॉप के कैटेगरी में काउंट होंगे। ओके ठीक है जोचना, नेक्स्ट टाइम और अच्छा आना चाहिए आपका। जोचना यस सर टॉप का मतलब 190+। ओके जिन बच्चों का 190+ नहीं है तो वो अपने आप को टॉप ना समझें। हाँ अदर के कंपेयर में अच्छा कर रहे हैं, ओके अच्छा है, बढ़िया है, बट कोशिश करनी है 190+, 200 में। ओके 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 सर। नेक्स्ट देखते हैं कौन और कौन बच्चा है यहाँ पे। क्रिश वर्मा लेफ्ट। ओके क्रिश वर्मा, नहीं दिया इसने क्रिश टेस्ट, नहीं दिया क्रिश वर्मा ने। क्यों क्रिश वर्मा, क्लास में हो आप? सही लक्षेंद्र, लेव आपने टेस्ट दिया है? ये सर, मैंने 60 वाला लक्षेंद्र, आपने टेस्ट दिया है? पोर्शन पूरा दिया था। बाकी नहीं दिया? ये सर मेरे 60 वाला पोर्शन तो पूरा हो गया सर। फिजिक्स चल रही थी सर मेरी, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया था। आपने तो शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, आपका रिपोर्ट नहीं है यहाँ पे, पेंडिंग दिखा रहा है, एक्शन पेंडिंग है, दिख रहा है आपको? पेंडिंग टेस्ट में आ रहा है। ओके फिर टेस्ट रिपोर्ट में जाके सबमिट कर दे हाँ तो हो जाएगा। चलो, कोई डाउट? ओके सर, मैं ट्राई करूंगा। और किसी बच्चे का कोई डाउट है, कुछ पूछना है? अभी तो डाउट सेशन चल रहा है। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को? सर लास्ट क्लास में आपने शायद मैप करवाया था। पीपल एज अ रिसोर्स पीपल एज रिसोर्स पढ़ा रहा हूं। यस सर, मैप भी हुआ था यस पिछली सर क्लास में, सर फेज 1 का और सर फेज 2 का सर सिलेबस शुरू हुआ। अच्छा, मैप कंप्लीट करके मैंने फेज 2 स्टार्ट कर दिया था, है ना? यस सर
यस अच्छा, सर। आप लोगों को ये मालूम है कि अब आपका बैच मर्ज होगा शायद, ओके, तो आपको और भी बच्चे मिलेंगे जो अच्छा कर रहे हैं, है ना? तो आपका थोड़ा सा थोड़ा तैयार होके चलना है आप लोगों को, ताकि आप उस बैच में आप बोल सको बच्चों के साथ, है ना, टाई अप कर सको, मैच कर सर आप, सको। सर क्या बोला आपने, दोबारा से कहना। सर क्या होगा? मैं कह रहा हूँ दूसरे बैच में मर्ज हो जाओगे तो उन बच्चों को कॉम्पिटिट करना होगा ना, आपको कॉम्पीट करना होगा, तो उस कॉम्पीट करने के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा अच्छे से, है ना? नए बच्चे होंगे साथ में जो, हाँ, सर इवन बैच के एक साथ? और बच्चे, हाँ, एवन यस बैच, आई थिंक लक्षेंद्र बैठे भी हैं उस बैच में, जानते भी होंगे। ओके, यस सर। हेलो, तो क्रिश वर्मा क्लास में हो आप? टेस्ट यस टेस्ट क्यों सर। नहीं दिया आपने? सर मुझे 1 नवंबर को नोटिफिकेशन आई थी कि सर मंडे को मेरा टेस्ट होगा, पर जब मैंने मंडे को चेक किया था तो वो सर संडे को ही हो चुका होता, इसलिए सर मैं नहीं दे पाया। बताओ, फेस टेस्ट ही नहीं दिया आपने? और कौन है यहाँ पे? अनम चौधरी, आपने फेस टेस्ट दिया था? सर इसने तो दिया था। आपका नाम जैद है? जैद नो नाम है सर। आपका? अच्छा, अनम नाम है, अनम चौधरी। कैसा गया पेपर बेटा? सर सही गया था। ओके, अब अपने मार्क्स देख पा रहे हैं? यस सर। मेहनत करनी है अभी? हाँ, यस सर। तो मेहनत करो। ओके, मेहनत करिए और अच्छा कर लाइए नंबर, आपको यस सर। बहुत मेहनत करना है। ओके, बहुत मेहनत करना है आपको। चलिए, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट द रेगुलर सेशन। If you have any doubt, can raise your doubt. सर जब लास्ट टाइम आपने जो मैप स्किल्स करवाया था, उसमें सर आपने इंडिया वाला के बाद फ्रेंच वाला करवाया था, तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तब। हाँ, तो रिकॉर्डेड लेक्चर है बेटा, वो देख लो। ठीक ओके सर। है, अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए और फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके, चलिए, ओके तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, पीपल एज रिसोर्स। सर। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पीपल एज रिसोर्स। तो पीपल एज यस रिसोर्स में, पीपल एज रिसोर्स में मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया आप लोगों को? कैन यू रिकॉल दैट? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिड आई टोल्ड यू दिस? डिड आई टीच यू दिस? सर ये नहीं पढ़ा है शायद, नो ओके, तो ये तो आज शायद करवाना था। सो आई थिंक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से स्टार्ट करना है, और बिफोर दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कराया मैंने, बाय मेन एंड वुमेन, दिस वन यस डिड आई सर। कंप्लीट इट? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, डिड आई डिस्कस दिस? यस सर। ओके, तो इफ आई टॉट यू दिस, नाउ द थिंग इज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, डिवीजन ऑफ लेबर, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। डिवीजन ऑफ लेबर से स्टार्ट करते हैं। कुश कौशिक, कुश कौशिक यस सर। एंड निधि कुमारी, हाउ वॉज योर फेस टेस्ट? कैसा था आप लोगों का फेस टेस्ट? कैसा था फेस टेस्ट? डू यू नीड अ डिस्कशन ऑन फेस टेस्ट? आप लोगों को फेस टेस्ट समझना है, कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है फेस टेस्ट के लिए, फेस टेस्ट का, तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। नो सर। हाँ, सर एक क्वेश्चन था सर, एसएसटी वाले पार्ट से सर, डैश डिवाइस वाला सर, उसका आंसर डेमोक्रेसी क्यों है? कौन सा डिवाइस, एक बार रिपीट करो क्वेश्चन।
सर एक क्वेश्चन था डैश डिवाइस, समय पे क्वेश्चन तो है नहीं ओके आपके पास क्वेश्चन नहीं है सर, बट डिवाइस सर डैश डिवाइस करके सर आपको ये सुनकर थोड़ा सा लग रहा है कि डिवाइस क्यों है, है ना? आप ये जानना चाहते हो कि डिवाइस सर वो कॉन्टेक्स्टुअली फिट हो जाता है। ओके खुश कौशिक बेटा आपको भी मेहनत करनी है। खुश कौशिक आप देख पा रहे हैं सोशल आपका सर मेरा पूरा नहीं हो पाता सर पेपर, तब चार्जिंग नहीं थी फोन में, तो चार्जिंग में लगा के करते बेटा ये, अब बाकी सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो तो yes. सर किया तो सर एक बार उसके पूरे क्लियर आंसर हो गए थे, फिर सर दोबारा किया था जल्दी जल्दी। बेटा पेपर दे रहे हो ना तो थोड़ा सा आप हर चीज को काउंट करके चलते yes, सर ऐसी प्रॉब्लम बहुत बार हुई है मेरे साथ भी सर, क्लियर हो गए थे पूरे आंसर। नंबर बेटा देखो कम है, और किस बच्चे का है इसमें बाद में कौन, अभी निधि कैसा गया पेपर फेस टेस्ट? निधि को भी मेहनत करनी है बहुत। निधि नंबर कम क्यों है बेटा? नंबर कम है आपके। चलो एक काम करते हैं थोड़ा फेस टेस्ट में डिस्कस कर लेता हूँ, है ना? आप लोगों के नंबर क्यों कम आ रहे हैं आई डोंट नो, अलग अलग बच्चे अलग अलग बात कर रहे हैं yes, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है पेपर कहाँ है? कब पेपर हुआ था आप लोगों का? सर परसों संडे को फर्स्ट नवंबर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट लेट चेक। आपकी स्क्रीन में दिख रही? हाँ मुझे एक मिनट दो, गिव मी अ मोमेंट।
आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. यही पेपर है आपका? Yes, sir. यही पेपर है? Yes, sir. The agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. कितना इजी है. 14th of July 1789. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. Okay. Montesquieu wrote पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन 1715 to 1789. आई थिंक यू नो दिस. जानते हो आप सबसिस्टेंस क्राइसिस? यस सर. यस सर. जिस बच्चे ने डीबीपी रेगुलर की होगी उसके लिए ये टेस्ट देना बहुत ही आसान रहा होगा. बहुत आसान सर. सेम क्वेश्चंस थे आई थिंक वैभव ने ऐसा किया होगा. यस सर. सारे सेम क्वेश्चंस थे सर. एक दो को छोड़ के. तो जो बच्चा डीबीपी करेगा वही तो कर पाएगा. एसएसटी में तो सेम ही आते हैं. बिल्कुल. एसएसटी में तो सेम आते हैं और सब्जेक्ट में थोड़े अलग आ जाते हैं. यस सर. थोड़े अलग आ जाते हैं. फिर भी इसमें 50 आउट ऑफ 50 नहीं आ रहा है बच्चों का. जब सेम है तो चीजें अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 50 आउट ऑफ 50 आनी चाहिए ना. बताओ सिर्फ एक बच्चे का आ रहा है. कोई भी बच्चा वैभव को छोड़कर 40 प्लस में नहीं जा रहा है. आई थिंक ज्योत्सना भी गई है. यस सर. क्यों है ऐसा? ओल्ड रिजाइन क्या है? बिफोर 1789 यही है ना. सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस. नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करेंगे. यस सर. होप सो. आप लोग अच्छे नेक्स्ट टाइम करें है ना. वुमेन ऑफ व्हिच ई स्टेट्स हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. थर्ड ई स्टेट. वेरी इजी. डिड वुमेन हैव रेवोल्यूशन? मैंने समझाया था. हु सीज पावर आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबिन्स गवर्नमेंट. वेल्दी मिडिल क्लास. डायरेक्टरी रूल फ्रांस मैंने बताया था आप लोगों को. जिस बच्चे को जिस क्वेश्चन में डाउट हो तुरंत आप उसमें रोक के उसको क्लियर कर सकते हैं. क्वेश्चन 7 में फ्रॉम विच पैलेस किंग वॉज अरेस्टेड बिफोर बींग एग्जीक्यूटेड. पैलेस ऑफ ट्यूलरीज. यहीं से वो हुआ था ना सर. इसमें डाउट है. हाँ बताओ. पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में ही तो उन्होंने जो है कि क्या किया था? अरेस्ट किया था उनको. हाँ बोलो. पैलेस ऑफ ट्यूलरीज ही तो है सर. पैलेस ऑफ ट्यूलरीज सर लोकेटेड कहाँ है? ये फ्रांस में. लोकेटेड कहाँ सर? बस ये पूछ रहा था. लोकेटेड फ्रांस में ये ना बेटा. वहां पे पैलेस ऑफ ट्यूलरीज जहाँ पे वो रहते थे. ट्यूलरीज पैलेस है ये. ओके वहीं से उनको क्या किया जाता है? एक बार अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको पैलेस डीला कॉन्कॉर्ड में एग्जीक्यूट किया जाता है. याद है? यस सर. किसने पूछा था? नेक्स्ट. व्हिच ऑफ दीज राइट्स वेर नॉट एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल? यस नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स. 1791 का राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ. ये तीनों मैंने बताया था. ऑप्शन क्या होगा? डी. यस सर. इसी क्वेश्चन में सर इधर नॉट क्यों लिखा हुआ है सर? कहाँ सर एस्टैब्लिश हुए थे सर ये तो? सर विच ऑफ दीज राइट्स वर नॉट एस्टैब्लिश्ड सर? इधर ही मैं कंफ्यूज हो गया था सर थोड़ा. कोई बात नहीं. Were established as natural and inalienable होगा. Correct. तब भी आप अगर as per the option देखो, given option, तो ये सारे थे. All of the above ही answer ऐसे questions का होगा. Okay? कभी कदार ऐसा जब हो जाता है ना तो आप देखिए कि होना क्या चाहिए था, क्या best क्या है. तो ये सारे हैं. तो all of the above है ना. Okay. What did Louis XVI do seeing the power of his revolting subjects?
रिकॉग्निशन देता है सर नेशनल असेंबली को, आपने देखा होगा जब चैटोएक्स वगैरह पे हमला होता है तो डर जाता है कहीं, यस सर, है ना, और फिर कहता है ठीक है एज ऑफ नाउ ऑनवर्ड्स माय पावर्स विल बी चेक्ड नेशनल असेंबली। याद है डेट किसी बच्चे को इसमें से, कौन सा अगस्त था, डेट क्या है? 4th of August 1789। यस सर, सिर्फ ज्योत्सना यस कह रही है। वैभव, यस सर, टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक डिस्कस्ड है। फिर आफ्टर साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द किंग ऑफ फ्रांस एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद प्रुशिया, तभी तो वहीं पे फाइट हो, एंड ऑस्ट्रिया, हाँ मेनली प्रुशिया, ऑस्ट्रिया की तो आपकी वो थी मैरी एंटोन, है ना। चलो फिर उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सैनक्लिटस। सैनक्लिटस जानते हो आप लोग? यस सर, विदाउट नीबिलिटी, यस सर। फिर विच रेवोल्यूशन गेव द आइडिया ऑफ लिबर्टी फ्रीडम इक्वालिटी टू द वर्ल्ड? फ्रेंच रेवोल्यूशन। In which of the battle was Napoleon finally defeated? Waterloo 1815. Waterloo. है ना? Okay. Yes, sir. इसका आंसर क्या होगा? चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ क्या होगा? Abolition of censorship. Question number 15 is sir. Censorship ही होगा. ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? सी सही है, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। यस सर। कोर ऑफ ग्रेट हिमालय, ये बताओ इसका आंसर क्या है? ग्रेनाइट सर, ग्रेनाइट। ओके, गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। यस, घाघर एंड तिस्ता रिवर के बीच में गंगा प्लेन है। ओके, द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न अनायमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ। एटॉल्स। नेशनल कलर ऑफ फ्रांस ब्लू व्हाइट रेड। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में सर एक डाउट था। बोलो सर, एटॉल्स और सर फ्रिंजिंग रीफ में सर थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते सर तो थोड़ा और अच्छा समझ आ जाता। एटॉल और फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ। ओके, ये एक्चुअली डिपोजिशन है कोरल्स का। ओके, कोरल्स का डिपोजिशन है और जब एटॉल्स का जब सर्कुलर शेप में दिखता है डिपोजिशन, ओके, तो उसको एटॉल्स बुलाते हैं। है ये अलग अलग तरीके का डिपोजिशन रीफ्स का, सॉरी आपके कोरल्स का, तो उसको कंसिक्वेंटली दूसरा अलग अलग नाम दिया गया। कोई सर्कुलर है तो कोई जो है नियर बाई मेन लैंड से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है बाई नैरो कॉरिडोर टाइप, है ना, तो उस तरीके से उसको डिमार्केट किया गया है। आपको सिर्फ एटॉल के बारे में ही एक्सप्लेन किया गया, समझ में आया? बैरियर रीफ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। नहीं तो फिर इसके बारे में तो आई थिंक एटॉल के बारे में ही मैंने बताया, फ्रिंजिंग और बैरियर के बारे में उतना आपको डिस्क्राइब नहीं किया है मैंने, बस टाइप बताया था मैंने। सर फ्रिंजिंग का सर मैंने पहले पढ़ रखा था ना सर कहीं पे, तो सर मैं उन दोनों में कंफ्यूज हो गया। अच्छा अच्छा, तो चलो ठीक है, आपका फ्रिंजिंग अंडमान एंड निकोबार निकोबार फ्रिंजिंग का एग्जांपल है। ओके, देख रहे हो नैरो तरीके से दिखता है आपको वहां पे। चलो कभी मैं इस पे जो है और एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है, फ्रिंजिंग बैरियर रीफ एटॉल्स, हालांकि पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, पूछा जाए, अगर पूछते हैं तो मेनली एटॉल्स से उठा के क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, ठीक है? ओके सर। फिर उसके बाद फ्रांस का नेशनल कलर ब्लू व्हाइट रेड आप जानते हो? यस सर, यस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू? ओडिशा। आंसर ओडिशा। ओडिशा, इसका आंसर क्या है 22 का? स्विस कैनाल। स्विस कैनाल,
1869 southern most point of the union indian union indra point 2004 indra point aur yahi pe agar main land likha hota to kya answer hota kanyakumari kanyakumari very good from which latitude kanyakumari tropic of cancer passes ye to sabse easy tha yes sir yes sir, yes, sir. 3.5 degree north दिया हुआ है बट अगर किसी बच्चे का दूसरा आंसर हो तो मुझे बता देना सर इसका आंसर ये होना चाहिए था ये क्यों सर नॉर्दर्न प्लेन्स होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक तो नॉर्दर्न प्लेन्स स्टेबल नहीं है पेनिनसुला इग्नियस रॉक से बना है स्टेबल है मैग्मा बेसाल्ट इग्नियस रॉक तो बहुत ज्यादा स्टेबल है गोंडवाना का पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है सेडिमेंट्री रॉक का डिपोजिशन है और वो फ्लो करते रहता है स्टेबिलिटी वहां पे कम है उस डिवीजन की है ना और वो डिपोजिशनल वर्क है रिवर का जो कि मिलियंस ऑफ इयर्स में कंप्लीट हुआ है यस सर सबसे ओल्डेस्ट सर है भी वो मास हाँ आपका पेनिनसुला प्लेटो सबसे ओल्डेस्ट है चलो बोथ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट ये तो मैंने समझाया होगा क्लास में आपको यस सर सर टाइम भी बताया था इतना 2 आवर्स 2933 3214 ऑब्जर्व करते हैं हां तो ईस्ट वेस्ट क्या होता है स्मॉलर है नॉर्थ साउथ से बट देखो तो 30 डिग्री का ही मेनली क्या है डिफरेंस बताया था इसका कारण याद है आप लोगों को यस सर चलो गुड बाकी बच्चे बताओ यस सर आपने बताया था सर 29.2 हो गया एप्रोक्सीमेटली 28 क्वेश्चन साउथ ऑफ हिमाद्री रग्ड माउंटेन सिस्टम नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय लेसर हिमालय सर लेसर हिमालय इनर हिमालय किसको कहते हैं इनर हिमालय किसको कहते हैं सर इससे फिर हिमाद्री को यस सर सर वैलीज सर आप सर जो इससे पहले वाले क्वेश्चन का सर उसका सर एक बार बता दीजिए सर मेरे को याद नहीं है सर ईस्ट वेस्ट जो है कि अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ क्यों क्योंकि आप देखो तो ग्लोब पे जो डिस्टेंस है लैटिट्यूड के दो लैटिट्यूड्स के और लॉन्गिट्यूड्स के वो वेरी करते हैं दो लैटिट्यूड और दो लॉन्गिट्यूड के जो डिस्टेंस है दोनों में वो वेरी करते हैं ओके लैटिट्यूड का तो वेरिएशन बहुत कम है लगभग नहीं है बट लॉन्गिट्यूड का ज्यादा है आप देखो कि ग्लोब पे तो लैटिट्यूड्स को जो है कि पैरेलल ड्रॉ होता है पैरेलल्स भी बुलाया जाता है जानते होंगे आप लैटिट्यूड को पैरेलल्स और पैरेलल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है बराबर होता है पढ़ा है कुछ मैथ्स में ऐसा कुछ अभी तक yes, तो पैरेलल्स बुला रहे हैं तो मतलब डिस्टेंस जहां जहां होगा सब क्या होगा पैरेलल है तो सेम होगा तो ग्लोब पे थ्रू आउट द ग्लोब लैटिट्यूड पैरेलल्स के डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं बट लॉन्गिट्यूड के केस में ये इक्वेटर में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और पोल पे बहुत सबसे कम होता है इक्वेटर पे सबसे ज्यादा पोल पे सबसे कम तो उसका डिस्टेंस वेरी करता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच का और लैटिट्यूड का ऐसा नहीं होता है ठीक है तो एक रीजन है यही तो रीजन है इसका सर बस ये वेरी करता है इसके डिग्री है ना 30 डिग्री दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिग्री है ऑलमोस्ट और लैटिट्यूड का 30 डिग्री ओके यस सर एक वन ऑफ द मेन रीजन तो ये भी है पूछा था हाँ ओके सर The range lying
द रेंज लाइंग टू द टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, ओके ये बता दिया मैंने. विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्यन रेंज, कौन सा होगा? मालवा. मालवा मालवा मालवा. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गई आपकी. जब प्लेटें एक आपस में एक दूसरे के सामने आती हैं, कम टुवर्ड्स ईच अदर, तो कौन सी बाउंड्री? कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट. इंडिया रिलीफ फीचर में क्या फैक्टर ऐसा है जो कि नॉट बीन अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है इसमें क्रिएशन एंड रिलीफ फीचर में? पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका क्या रोल है? वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज कन्नड़, आप जानते होंगे, बताया भी है सर. उसमें लिखा जाता है सर मुंबई से गोवा तक, तो सर गोवा तक है तो सर गोवा तो पूरा होगा ना, तो उसको साउथ का पार्ट कैसे? साउथ ऑफ गोवा, गोवा के बाद. ओके सर. ओके सर. ओके. यस. द मेजर The major river in the Thar Desert, Luni. Only large river. Run of Kutch में सूख जाती है जाके. Thal, Bhor, Pal are the passes that are found in Western Ghats. Western Ghats. True democracy will come to our country only when no one goes hungry to bed. बड़ा होगा broader meaning. Hungry to bed. मैंने ever. Broader meaning of democracy. Sir, ever. Ever. Ever to bed, goes ever to bed, मतलब कभी बेड पे सोने नहीं जाएगा. Zaid, I think आप बोल रहे थे कभी बेड पे वो सोने नहीं दोगे सर, मुझे लगा ये true democracy है. हाँ चलो कोई बात नहीं. हंगरी. चाइना के यहाँ अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होता, इलेक्शन होता या अपोजिशन पार्टी होती या इंडिपेंडेंट होता, तो जो फेमाइन हम लोगों ने पढ़ा था वो फेमाइन नहीं होता, है ना? नहीं होता. यस सर. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट. चौथा चौथा फीचर आपको याद होगा. यस सर. डेमोक्रेसी, ईच एडल्ट सिटीजंस हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. वन वैल्यू. किसी बच्चे का अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो. डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल. हाँ, एक ऐसा डिवाइस है दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्नमेंट नो बेटर देन वी डिजर्व. सर ये तो आसान सा ही था. ये आसान सा था सर. डेमोक्रेसी पीपल्स गवर्नमेंट. डिवाइस की बताया. पीपल्स गवर्नमेंट डिवाइस ऐसे एक्सप्लेनेशन के तौर पे एक तरह का हथियार है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं. एक डिवाइस है, इक्विपमेंट है जो इस्तेमाल कर रहे हैं. बस इसको फिजिक्स के टर्म पे मत समझो कि फिजिक्स का इसमें डिवाइस है तो क्या है, ऐसे मत समझो. ओके. एज पर द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी डेमोक्रेसी. अब यहाँ पे ग्लिटर नहीं लिखना था, ये तो इसी आपको जो है थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए गिलेटिन भी लिखा गया. तो आपको गिलेटिन लिखेंगे, मैकेनिकल सॉ लिखेंगे, एक्स लिखेंगे. इफ यू आर स्टडिंग सोशल साइंस तो यू मस्ट फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन डेमोक्रेसी बिकॉज योर कंट्री इज डेमोक्रेटिक कंट्री. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग वर पास्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज इन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी? कुरावा, कराचा, यरुकुला, बताया है मैंने. Yes, sir. मैंने ये लगाया. सर डिटेल में नहीं बताया था सर, थोड़ा बहुत बताया था. तो वही तो है कि अब सारे क्वेश्चंस एकदम इजी हो जाएंगे तो आपको 50 आउट ऑफ 50 कैसे आएगा? 50 आउट ऑफ 50 लाने के लिए थोड़ा तो मेहनत करना है ना. फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म का क्वेश्चन सर, गुजरात वाला. 157 टाइगर्स, 1157 टाइगर्स एंड 2000 लेपर्ड. ये देखो, ऑयल फॉर कुकिंग एंड लाइट लैम्प्स कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ महुआ, ये भी पढ़ाया है. यस सर. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनएक्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन प्लान। यस बोलो, किसी बच्चे ने कुछ कहा है? ऑडिबल नहीं हो पाया। एनीवन, एनी डाउट? प्रीएम्बल, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का है अपने, है ना? ओवरऑल रीजन एंड गाइडिंग वैल्यू पर आता है। 1931 का सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेरी इजी, कराची। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कुछ आइडियाज तो पहले ही थे, तो कराची में का है, फिर नेहरू रिपोर्ट है 1928 का, है ना? नेल्सन मंडेला के ऊपर कौन सा आरोप था, कौन सा चार्ज लगा? ट्रिज्म का, देशद्रोह। खरीफ क्रॉप ज्वार बाजरा, खरीफ क्रॉप ज्वार बाजरा याद होगा, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। मॉडर्न फार्मिंग मेथड, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, आपको याद होगा HYB सीड्स, मैंने समझाया होगा इसे। मनी इन हैंड इज एन एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल, दिस इज आल्सो यू आर फैमिलियर विद। कितना इजी पेपर है, बहुत इजी पेपर है। रबी क्रॉप वीट, बहुत इजी। बताओ, पेपर तो बहुत इजी था, आप लोगों ने फुल मार्क्स क्यों नहीं लाए? वही बात है, जो बच्चा रेगुलर DPP करता रहेगा वो बच्चा कर ले जाएगा, जो बच्चा DPP नहीं कर रहा है उस बच्चे को प्रॉब्लम होगी। दिस इज व्हाई आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट DPP पर क्वेश्चन भूल गया था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा आप लोग करेंगे। और किसी का कोई डाउट है पेपर में तो पूछ लो। सर हमारे यहाँ सर जो डेमोक्रेसी में माना जाता है सर 1% 1 vote 1 value, सर ऐसे अगर हम पार्लियामेंट से देखें सर प्रेसिडेंटी इलेक्शन में सर तो ये अप्लाई नहीं होता ना उधर? उनका इलेक्शन प्रोसेस दूसरा है, हमारा ये वाला इलेक्शन प्रोसेस दूसरा है। ओके, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सर ऐसे सर ओके सर सर ऐसा क्यों होता है सर कि उसमें सर वैल्यू अलग होती है सर, सर इसमें सबकी सेम वैल्यू होती है पर उधर अलग वैल्यू होती है? हाँ तो ये सिस्टम है ना बेटा, तो सिस्टम पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते। अब ये सिस्टम बनाया क्या है कि हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इस तरीके से इलेक्ट करेंगे। ओके, तो दिस इज हाउ वी इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ओके, सीक्रेट बैलेट एंड ऑल। और यहाँ पे जब डायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रही है तो 1% 1 vote। अब वहां पे भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही फर्दर क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ओके, यस सर, सिस्टम है ये, इस सिस्टम से ये ओवरऑल ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो उन्होंने लगा बेस्ट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग थिंग में तो कंसिडर किया है। सर एक और चीज थी सर, सर हम बोलते हैं सर कि जो प्रेसिडेंट होता है सर वो हाईएस्ट पोस्ट होती है और सर PM और सर जो बाकी लोग होते हैं सर उसे कंट्रोल नहीं करते, पर सर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सर वो अपने प्रेसिडेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंटियल रिप्रेजेंटेटिव्स को सर इलेक्शन में खड़ा करते हैं, तो सर ऐसे तो सर अगर उनका ही अगर आ गया सर तो फिर वो उनका तो फायदा हो गया, तो उनका प्रेसिडेंट हमारी बात ही माने सर, वो प्रेसिडेंट हमारी बात मानेंगे, उनके पार्टी से कोई है और वो आ गया है प्रेसिडेंट बन गया है तो उनको वो एज पर द लॉ जा रहे हैं ना, वो एज पर द लॉ है और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तो उनको बायस्ड नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, है ना? अब तो कहीं देखा जाए तो कोई ना कोई किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता ही है, तो अब होगा क्या ऐसे सिचुएशन में कि जो प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होके आके बन गए प्रेसिडेंट तो कोई भी लॉ वगैरह बिल वगैरह वो पार्टी पास करेगी वो तुरंत उसमें एसेंट दे देंगे और वो लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, है ना? और जो है कि कोई भी ऑर्डिनेंस वगैरह लाएंगे तो जो है कि पार्टी अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो ओवरऑल अगर इंडिया में देखो तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है,
सेरेमोनियल पावर एंजॉय करते हैं। यस सर। तो ये तो सिर्फ हमारे एक फॉरेन एग्रीमेंट्स वगैरह और जो है कि डिफरेंट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एक स्ट्रक्चर बनाया गया, कहीं ना कहीं ये ब्रिटेन को कॉपी किया गया है। देखिए ब्रिटेन के प्रेसिडेंट में और यहाँ ब्रिटेन के जो किंग है ना उनके पास भी नॉमिनल पावर है, हालांकि वो जो किंग है जो क्वीन होती है उनका हेरिडेटरी चलता है, यहाँ पे इलेक्शन होता है। चलो इतना ज्यादा आप डिटेल में आपको नहीं समझना है, है ना, वही इसी को फॉलो करते हुए ये यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है। अब वहां पे ये सिस्टम क्यों है तो अब इतना ज्यादा डिटेल हमें अभी नहीं करना है। ओके यस सर, आप आइए जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपकी जो है क्लियर होती जाएंगे। चलो अब आपको आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो फेस टेस्ट आप लोगों का गया है ओवरऑल, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा गया, कुछ बच्चों का नहीं गया। होप कि नेक्स्ट टाइम आप लोग और अच्छा करें और अच्छे मार्क्स गेन करें। ओके चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, पीपल एज रिसोर्स पे। पीपल एज रिसोर्स में अब देखोगे कि डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वेमेन इन द फैमिली, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ डिवीजन बिटवीन मेन एंड वेमेन इन द फैमिली। अब क्या देखा जाता है, वेमेन को माना जाता है कि दे आर सपोज टू लुक इन हाउसेस, मींस दे शुड इन्वॉल्व देमसेल्फ इन हाउसहोल्ड एक्टिविटीज, डोमेस्टिक चोरस पे अपने आप के आप उनकी जो है कि वो लुकआउट करें, उसको जो है सॉल्व आउट करें। और मेन को माना जाता है दैट दे शुड वर्क इन पब्लिक लाइफ, दे शुड इन्वॉल्व देमसेल्फ इन पब्लिक डोमेन और आउटसाइड, दे शुड अर्न मनी। ओके वेमेन को हाउसहोल्ड एक्टिविटी, वेमेन को आप याद रखना कंसिडर्ड इन इंडिया वेमेन गर्ल चाइल्ड ओके एंड सीनियर सिटीजंस दे आर कंसिडर्ड एज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ठीक है, क्या कंसिडर किया जाता है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। समझ में आ रही है बात, एम आई क्लियर? यस सर। मैं बताता हूँ, अब मैं ये बताता हूँ आपको कैसे। सर पॉवर्टी वाले उसमें भी यही था कि सर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को सर हम फीमेल्स और जो ओल्डेस्ट होते हैं उनको बोल सकते हैं। हाँ, लेबर डिवीजन देखा जाता है मेन में और वेमेन में। ठीक है, अब ये वन ऑफ द रीजन व्हाई देयर इज दिस लेबर डिवीजन, ये एक ओल्ड स्टीरियोटाइप है, सोसाइटी का बिलीफ है ऐसे ही होना चाहिए और वैसे ही चला आ रहा है। ये पब्लिक स्फेयर में जाएंगे काम करेंगे और ये प्राइवेट, ये जो काम करते हैं उसके लिए वर्क के लिए इनको क्या मिलता है, मनी मिलता है। अब वेमेन जो हाउस होल्ड वो काम करती हैं उसके लिए पैसा मिलता है, मनी मिलता है उनके? नो सर। मेन काम करते हैं तो उसके लिए पैसा मिलता है, वेमेन काम करते हैं तो उसके लिए पैसा नहीं मिलता है। घर पे कहा जाता है कि यू आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली और मेन अर्न करते हैं और जो नेशनल इनकम में काम तो ये भी कर रही हैं। अब वो घर का हो चाहे बाहर का हो, अगर मेन से कहा जाए कि आप जाइए और वही जो है कपड़े धोने का काम करिए और बर्तन धुलने का काम करिए, तो डिफरेंट होटल्स और रेस्टोरेंट में देखोगे मेन ही काम करते हैं। और जब मेन ये काम करते हैं दे चार्ज, ठीक है, वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। समझ में आ रही है बात, इवन इफ इन योर वर्क इन योर इवन एट योर होम, ओके इफ वेमेन आर नॉट वर्किंग यू विल हायर अ मेड, मेड हायर करोगे दैट मेड, इफ दैट मेड विल वर्क इन एट योर हाउस होल्ड एट योर होम दैट मेड विल चार्ज, मेड भी क्या करेगी, चार्ज करेगी। बट घर में जो वेमेन काम करती हैं उनका मनी नहीं बनता है और वो उनके वर्क को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, ओके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ओके और मैंने आपको बताया वेमेन गर्ल चाइल्ड, अला वेमेन कह दिया तो उसी में आ गए, गर्ल चाइल्ड सीनियर सिटीजन ये सब पुअर, सीनियर सिटीजन ये सब पुअर और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कहा जाता है। अब ये बिलीफ है सोसाइटी में अपने इंडियन सोसाइटी में पर्टिकुलरली जो कि हेड ऑफ द फैमिली विल बी मेल, पैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी है वेमेन को नहीं। तो ये भी एक प्रथा है कि खाना अगर खाने की बात आती है तो मेल जल पहले खाते हैं फीमेल बाद में,
और फीमेल बाद में अगर खा रही है तो चलो अगर वेल टू डू फैमिली है तो डाइट होगा, ठीक है डाइट हो जाएगा सबके लिए, बट अगर वेल टू डू फैमिली नहीं है, पुअर फैमिली है और मेल पहले खाना खा ले रहा है तो फीमेल के लिए ज्यादा खाना बचता है? ऐसे केसेस में नहीं बचता है। ओके आप पॉवर्टी पढ़ोगे तो जो है बॉय चाइल्ड के लिए दूध मंगाया जाता है, मिल्क की व्यवस्था की जाती है, बट गर्ल चाइल्ड के लिए नहीं की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन। यस सर, आई एम टॉकिंग होलिस्टिकली, ठीक है मैं होलिस्टिक आपको जो है कि व्यू रख रहा हूँ, पॉइंट रख रहा हूँ, स्पेसिफिकली नहीं है। इंडिया में जो पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, जो केसेस हैं मैल न्यूट्रिशन के और फिर डिफरेंट केसेस जो हैं मेल और फीमेल के, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक ओवरऑल सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर चला आ रहा है वो डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। बच्चों बॉय चाइल्ड को भेज देंगे, बॉय चाइल्ड को भेज देंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल, गर्ल चाइल्ड को नहीं भेजते हैं, और या फिर घर पे ही रखते हैं या भेजते नहीं है, या तो फिर भेजेंगे तो फिर हिंदी मीडियम में, है ना, किसी तरीके से ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। अगर वर्क एम्प्लॉयमेंट की बात कर जाए तो एम्प्लॉयमेंट में भी जो है कि लोग प्रेफर करेंगे कि वो मेल को ही एम्प्लॉय करें, क्यों? क्योंकि फीमेल्स के साथ कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि उनको फुलफिल करेंगी, करनी पड़ेंगी। क्या है, जैसे कि फीमेल का मैटरनिटी लीव भी हो सकता है, ओके, सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी है, मैटरनिटी है ना, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो फीमेल को लेकर थोड़ा सा एम्प्लॉयर्स क्या होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, बट मेल के साथ में इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं है तो मेल को हायर कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं सोसाइटी में कि ऐसा भी एग्जिस्ट करता है। अब पीपल एज रिसोर्स में अगर जब 50% अप्रॉक्स वेमेन है और वीमेन के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा सोसाइटी में, यही माइंडसेट रहेगा, तो क्या वो एसेट बन पाएंगी ऐसे सिचुएशन में? नहीं बन पाएंगी। नो सर, नो सर। ठीक है, तो हमें उन्हें एसेट बनाना है, तभी ओवरऑल 100% हम पीपल को क्या बना पाएंगे, रिसोर्स बना पाएंगे। हमें ऐसा थोड़ी है 50% को रिसोर्स एसेट बनाना है और 50% को लाइबिलिटी। तो एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग वीमेन के ऊपर भी जो है कि क्या करनी होगी, इम्पार्ट करनी होगी, उनको भी इससे रूबरू कराना होगा। साथ ही साथ आप देखो तो आज के डेट में ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रहा है, पेस धीरे है बट हो रहा है। आज भी देखो तो आर्म्ड फोर्सेस में वीमेन जा रही हैं, टीचिंग लाइन में कई, आप स्कूलों में ज्यादातर आपको वीमेन ही मिलेंगे, फीमेल ही मिलेंगे, अप टिल 10th, आप 9th में पढ़ रहे हो तो आप लोग देख रहे होंगे ज्यादातर फीमेल ही आप लोगों को पढ़ा रही होंगी, है ना। टीचिंग ग्राउंड्स में आप देखो, नर्सिंग्स में देखो, है ना, नर्स वगैरह में, डॉक्टर्स लाइन में देखो, एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, ओके, साइंटिस्ट में देखो, तो वेमेन का पार्टिसिपेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि आर्म्ड फोर्सेस में भी है। शिवांगी सिंह का नाम सुना है आपने रिसेंटली? शिवांगी सिंह नाम सुना है, सर्च करना कौन है शिवांगी सिंह, बनारस की है। अवनी चौधरी का नाम तो सुना है। हाँ, शिवांगी सिंह का भी नाम सुना, हो सकता है आपके जीएसटीएससी एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाए। शिवांगी सिंह सभी बच्चे पूछ के आएंगे कौन है। ओके, तो इस तरीके से वेमेन का अब रोल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और वो फर्दर और आगे बढ़ना चाहिए। सर, इंडियन नेवी में बनी है, पायलट बनी है इंडियन नेवी में, देख लेना शिवांगी सिंह कौन है। ओके, अब इसको एक बार रीड करो, अभी मत फाइंड करो, अभी क्लास पे कंसंट्रेट करो, हम डिस्कस करेंगे। अब माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करिए सभी बच्चे। ओके, तो वैभव एक बार रीड करो, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस से। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस वुमेन आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड। सरकार्स मदर शीला कुक्स फूड क्लीन यूटेंसिल्स आवाज कट रही है आपकी एंड लुक आफ्टर चिल्ड्रन। वेट, आपकी आवाज कट रही है वैभव। यस सर, सर अब ठीक है। लक्षण, हाँ अब बोलो, देखते हैं एक बार और रीड करो। सकल्स मदर, यस सर, सकल्स ओके वेट वैभव, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर माइक टुडे। क्या यस, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस लक्षेंद्र, यू कंटिन्यू।
कहाँ से पढ़ना? सब पूरा पैराग्राफ शुरू से पढ़ लो। नहीं नहीं यहाँ से पढ़ो सकल्स मदर, आपको दिखना होना चाहिए। आप देख नहीं रहे थे? नो से देख रहा था। सकल्स मदर शीला कुक्स फूड, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लोथ्स, क्लीन्स द हाउस एंड लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन। सकल्स फादर बूटा कल्टिवेट्स द फील्ड, सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स द मनी फॉर द फैमिली। Sheila is not paid for the services delivered for upbringing of the family. Bhuta earns money which he spends on rearing his family. Women are not paid for their service delivered in their family. The household work by the woman is done by Read karo. Why you stop? The household work done by woman is not recognized. नेशनल इनकम। ओके एनीवन एल्स? ज्योत्सना आप पढ़ो। गीता मदर ऑफ विलास अर्न एंड इनकम ऑफ सेलिंग फिश। दस वुमन आर पेड फॉर देयर वर्क, देन दे एंटर द लेबर मार्केट, दे आर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट। क्या हो रहा है ये? लक्षेंद्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, जोचना नहीं पढ़ पा रही हैं। सर हम पढ़े? पढ़ो। मैं पढ़ रहा था पैटर्न, मैंने अब ठीक कर लिया। एक मिनट पढ़, आप अंडरलाइन कर रहा था। गीता मदर ऑफ, सर पढ़े? आपकी आवाज नहीं है, आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। यस जैद आप पढ़िए, देखते हैं आपकी आवाज आ रही है ठीक से। अर्नड एंड इनकम बाय सेलिंग फिश। Thus, women are paid for their work. When they enter the labor market, they are earning like that of their male counterpart is determined on the basis of education and skill. Conception and processing of primary product. Education helps individual. Education helps individual to make better use of the economic opportunities available before him. Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. A majority of women have major education. Low skill formation. Women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. Various activity relating to legal protection is meager. Women with high education and skill formation are paid at par with the men among the organized sector. Teaching and medicine attract them the most. Some women have administrative and other services including job that need high levels of scientific and technological competence. Ask okay. Your sister. Wait. To samajh mein aa raha hai women ka case? Yes. What is happening with women and how women are fighting for this and how when women are trained with better education and health facilities, they also become an asset for the country. And we have seen examples, through which they have become an asset for the country. समझ में आ रहा है? क्या pattern है और उस pattern में धीरे-धीरे changes आ रहे हैं और उस changes आने से क्या-क्या benefit हो रहा है? ये clear हो पा रहा है? Is it clear? Yes, sir. So you will prepare a short notes on this. In social science, whenever you study social science, the questions on women empowerment is very important. Board ke paper mein ek question, chahe ek number mein, teen number mein, ya paanch number mein, zarur rehta hai women empowerment se related. Okay, so you need to know, you need to have this kind of information. Even in your daily life also, whenever you come across different situation like fighting a debate or doing a debate, giving out a speech, writing out an article, and there you should have these social understandings.
वेयर यू कैन राइट इट बाय योर ओन. समझ में आ रही है बात? होते हैं ना ऐसे चीजें, असेंबलीज वगैरह होते हैं, ठीक है. तो आपको ये सारी जानकारी पहले से होनी चाहिए. जो बच्चे, जिन बच्चों के पास ये सब जानकारी होती है, वो उनके ये नहीं खोजना होता क्या लिखना है क्या करना है, वो तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास वो सोशल नॉलेज है. दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन, दे नो व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. कभी भी कोई आके कहे कि चलो खड़े हो जाओ कुछ बोलो, तो आपके पास इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना सोशल के, आप खड़े होकर बोलना शुरू कर दो कुछ भी टॉपिक हो सोशल से रिलेटेड, चाहे वो आपका डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो, चाहे वो वेमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, कास्ट से रिलेटेड हो. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. यू विल प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट्स ऑन दिस. इज इट क्लियर टू एवरीवन ओवर हियर? यस सर. यस सर. अब नाउ वी विल मूव टू द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हम देखते हैं किस पे डिपेंड करता है, लिटरेसी रेट, हेल्थ as we all know, है ना, and skill formation. Skill का formation कैसा है, वही people as resource कैसे बनेंगे, वही education है, health है और skill formation है. तो उसी के हिसाब से हम determine करते हैं कि quality कैसी है population की, अच्छी है या बुरी. Literate और healthy population है तो हम कहते हैं that's an asset for the country. है ना, literate और healthy population है तो then we call that this is an asset for the country. They are the asset of the country. अब सबसे पहले हम देखते हैं, ओके, इफ वी वांट टू मेक पीपल एज अ रिसोर्स, तो हु इज द मेन रिस्पॉन्सिबल, मींस हु हैज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग सो. सो द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट विल हैव टू डू, मींस पीपल देमसेल्व्स कैन नॉट बिकम एन एसेट्स अंटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट विल, अंटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट हेल्प आउट्स. गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर द सिचुएशन, विल हैव टू चेंज द सिचुएशन, विल हैव टू मेक द एसेट्स, will have to change the people as an assets. That's why they are there. And in government, who runs the government? Particularly political parties. Though judiciary is also part of government. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. So, by mean of education, what sort of changes government had made over a period of time in order to change education system in India? Okay. Because the ultimate goal is to make people as an asset. Okay? So, government had did several things. One of the main thing which you will find that, okay, what sort of benefit education will give? I think you all know. National income badhayega, cultural richness, efficiency of governance. Hai na? Government mein bhi agar aap dekho, if you are going and working over in any firm or any government organization, if you are an educated one, if you have the required skills, okay, you will help out to execute different tasks smoothly, effectively and efficiently. पढ़े लिखे लोग, skilled वाले लोग, वो चीजों को क्या करते हैं, बड़े आसानी से कर लेते हैं क्योंकि वो पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, नई नई चीजें तुरंत adopt कर लेंगे. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. आज के डेट में if different is, आज के डेट में अगर आप मोबाइल फ्रेंडली हो, टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली और टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली हो या टेक्नोलॉजिकल सेवी हो, तो क्यों हो? क्योंकि आपने वो स्किल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रैब कर लिया है. बट ओल्ड एज में देखो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्मार्टफोन चलाने में, उसके डिफरेंट फीचर्स को समझने में, पढ़ने में. आपने थोड़ा पढ़ा लिखा है, आप थोड़े पास आपके पास एजुकेशनल स्किल है, आप देख लेते हो कहाँ पे क्या लिखा है, उस हिसाब से मोबाइल को ऑपरेट कर लेते हो, दिस डू दिस दैट करके आप सीख जाते हो, धीरे 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 फिर सीख जाते हो. बट ओल्ड एज में देखोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, आती है. Yes, sir. है ना, आप ऐसा नोटिस कर सकते हो कि उन लोगों को आ जाती है प्रॉब्लम. तो ये यही बात है कि गवर्नर जो है एजुकेशन से बेनिफिट होगा. तो अब हमारे यहाँ यूनिवर्सल एक्सेस है एजुकेशन के लिए, रिटेंशन है, क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है. ओके, ये सब इम्प्रूव करने की बात की गई. एजुकेशन को इम्प्रूव करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. ओके, हाउ टू मेक पीपल, हाउ टू सेव डिफरेंट पीपल दैट सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल सो दैट वी कैन टर्न देम इनटू एन एसेट. It's a very big task. It is a very difficult task because in India people are suffering from poverty. Because in India people are suffering from poverty. Why people will send out their children? But होता क्या है इंडिया में कि लोग अपने बच्चों को घर में ही क्या करते हैं, घर पे ही काम कराते हैं या फिर किसी दुकान में दे भेज देंगे, जाओ वहां काम करो, चार पैसे अर्न करो.
तो वो एसेट कहाँ बनेंगे, वो तो लायबिलिटी बन जाएंगे। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल जो वो फिश सेल आउट कर रही है साकल है, साकल्स मदर, तो अगर वो कह दें कि बच्चा तुम भी चलो, मैं पांच फिश लेके चल रही हूँ, तुम पांच और तुम भी पांच लेकर चलो, या तुम दो ही लेकर चलो साथ में बैठे रहना, तुम भी देखो मैं कैसे बिजनेस कर रही हूँ या फिर कैसे अपना गुजारा हो रहा है, देखो समझो तुम भी इसी को पकड़ो। उस केस में क्या होगा, साकल थोड़ा सा भी नहीं पढ़ पाएगा। बूटा के घर में भी अगर आपने देखा, विलास नाम था उसका, बूटा चौधरी पिताजी का नाम था उसके, यही नाम था ना सर? बूटा तो सर सर विलास सर बच्चे का तो, हाँ विलास बच्चे का नाम था। तो विलास को अगर उनके पिताजी ने हेल्प नहीं किया होता, उनके पेरेंट्स ने हेल्प नहीं किया होता, तो क्या वो एसेट बन पाते क्या? नहीं बन पाते। वर्चुअल साइकिल और वीसीएस साइकिल यही तो है। तो उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने सोचा कि नहीं हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, और तब वो जाके एसेट बनते हैं कंट्री के लिए, अपने घर के लिए। एसेट मतलब कुछ ऐसी चीज जिसका वैल्यू हो, वैल्यूएबल, वर्थफुल, और लाइबिलिटी वर्थलेस। समझ में आई बात? तो हम देखते हैं कि अब क्या क्या प्रोविजंस हैं, किस किस तरीके से एजुकेशन बढ़ाया जाने की कोशिश की जा रही है। तो नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल आप देखते हो, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय है ना, वोकेशनल स्ट्रीम, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स, सब खोले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि नॉलेज और स्किल्स बढ़ाई जा सके। पहले जिस तरीके से हम पैसे खर्च करते थे एजुकेशन पे, अब वो जो है कि पहले 151 करोड़ था, अब वो बढ़ के 3,766.90 करोड़ हो गया है, जो कि 11th 5-year प्लान में ऐसा किया। मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम पैसे एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, ज्यादा लगा रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं खर्च। ज्यादा खर्च क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं एजुकेशन की क्या वैल्यू है। मेरा वॉइस क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ पे? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, एक बार रीजॉइन करके आप देख सकते हैं। अब जीडीपी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, वो बढ़ा है, वो जो इसी के कंपेयर में कर दिया गया 151 करोड़ 0.64% ऑफ द जीडीपी टू 3%, मींस वी आर इन्वेस्टिंग मोर बिकॉज वी हैव रिकॉग्नाइज्ड द वैल्यू, वी नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। योर पेरेंट्स themselves, if they are investing on you, then they are expecting from you, and they are expecting that their children will become an asset in upcoming days, in upcoming years, not days. अब ये बात अलग है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो बच्चे जो इस तरीके से कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स पैसे खर्च कर रहे हैं, वो देख रहे हैं अपने आंख से, वो चीजों को देख रहे हैं, और फिर भी मेहनत नहीं करते हैं और अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, तो फिर वो गलती कर रहे हैं। अपने फैमिली के एक्सपेक्टेशन को फिर उनको पूरा करने में बहुत मुश्किल होगी। समझ में आ रही है बात, पेरेंट्स क्यों खर्च कर रहे हैं पढ़ाई पे? यस सर। तो द बजटरी एस्टिमेट स्टेटेड इन बजट, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, अब थोड़ा सा डिक्रीज देखा गया है, बट सिग्निफिकेंट नहीं है, 2.7 है 3% से। लिटरेसी रेट, अब हमारा लिटरेसी रेट अगर आप देखो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है, एज पर 2011 सेंसस वो 74.04%, हालांकि यहाँ पे एक राउंड फिगर लिया गया है 74%, तो 74% हमारे लिटरेसी रेट है। मेल की अगर लिटरेसी रेट देखो तो 82.14% है, दिस इज 14। ओके, फीमेल का अगर देखो लिटरेसी रेट तो 65.46% है अप्रॉक्स, दिस वैल्यूज आर अप्रॉक्स, है ना? तो लिटरेसी रेट बढ़ रही है। अब व्हाट इज लिटरेसी रेट, मींस लिटरेसी रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम किसको कहते हैं लिटरेट है? हम कहते हैं वो पर्सन जो 7 इयर्स या उससे अबव हो और लिखना पढ़ना जानते हो, राइट, रीडिंग और राइटिंग हो उनकी किसी एक लैंग्वेज में, हम उसको लिटरेट मानते हैं इंडिया में। तो उस हिसाब से 74% है। सो डू यू थिंक इन रियल सेंस कि इंडिया में लिटरेसी रेट जो है वो अप टू द मार्क है, जो डेफिनेशन है वो सही है, लिखना पढ़ना जानना किसी एक भाषा में और 7 साल से ऊपर रहना, क्या ये कैलकुलेशन सही लग रहा है आपको?
चलो अच्छा ठीक है, आपको कैलकुलेशन में ठीक है, आपको आप ज्यादा दुविधा में नहीं डालता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप को लिटरेट मानते हो? यस सर। अच्छा सर, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से तो यस। अच्छा स्टैंडर्ड के हिसाब से यस सर, चलो लिटरेस आपने इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मान लिया आपने आपको। क्या आप एजुकेटेड हो? यस सर। तो आपके पास सारे नॉलेज हैं सर, ऑनगोइंग। आप लिटरेट भले ही हो, यू आर नॉट एजुकेटेड सर, ऑनगोइंग है ना, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप हायर स्टडीज में जाके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जब कर लेते, एटलीस्ट ग्रेजुएशन यू शुड हैव, तब आप कहोगे कि दैट यू आर अ वेल एजुकेटेड पर्सन। लिटरेट हो आप, बस हमें लिखना पढ़ना जानता है, एक भाषा में जानते हैं, और हमारा जो है कि हम 7 साल से ऊपर है आपसे। अभी सब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बेसिक हैं, जनरल रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। क्या आप वो आंसर कर पाओगे? सारे नहीं कर पाओगे आप। यस सर। आपको कई जनरल सही चीजें आप क्या है सीख रहे हैं। तो अभी आप 9th में आए हैं, तो आपका वो जनरल स्टार्ट हुआ है जो सबसे ज्यादा बेसिक होता है। ये सब बहुत बेसिक है जो आप पढ़ रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि literacy is not only a right, it also needed if the citizens are perform their duties and enjoy their rights properly. So, literacy में males and females में differences हैं। Government कोशिश कर रही है कि male, आप जानते हो लोग prefer करते हैं male child को या boy child को literate करना, female को नहीं चाहते, girl child को। तो government का ये कोशिश है कि female child को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, पढ़ाया जाए, female की literacy rate बढ़ाया जाए। और आप देख सकते हो literacy among males is nearly 16.6 higher than females. And it is about 16.1 higher percent higher in urban areas as compared to rural areas. 16.6%. अगर आप 82.14 और 65 के बीच का difference देखो, तो nearly वो 16 के around आता है, 16.6 के around. Somewhere आएगा difference? Yes, sir. है ना? Yes, sir. और सबसे ज्यादा अगर literate अगर हम देखें तो कहाँ पे मिलते हैं हमें? Kerala में मिलते हैं. Very important facts and figures. Okay, very important for your NTSC as well as for JSTSC examination. जो भी तो कर रहे हो. इतना ही बड़ा था. Yes, 62% in Bihar. Okay, primary school 8 lakh nearly है. 8 lakh, 8.14 lakh. Okay. But अब यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि dropouts ज़्यादा हैं. Dropouts क्या हैं? ज़्यादा हैं. तो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए एक अभियान चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान. ओके, 6 से 14 साल तक सभी बच्चों का यह अब मौलिक अधिकार है एज पर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिले. जाना है पढ़ना है. 2010 के बाद से इसको बनाया गया, मतलब कि इसको रखा गया आर्टिकल 21. पहले तो ऐसे ही था कि सर्व शिक्षा अभियान सभी को पढ़ाएंगे, और 2010 तक कंप्लीट करना है, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को लिटरेट करना है. ओके, तो 6 से 14 साल तक इंडिया में अब ये फंडामेंटल राइट हो गया है, फ्री ऑफ एजुकेशन. और ये इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है. एक सिग्निफिकेंट स्टेप था एलिमेंट्री एजुकेशन को देने के लिए 2010 तक, और एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव था सेंट्रल गवर्नमेंट का, पार्टनरशिप विद स्टेट्स एंड लोकल गवर्नमेंट. ओके, क्या कारण था? यूनिवर्सलाइज, ऑब्जेक्टिव क्या था? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन मीन टिल क्लास 8. आपके पास जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है वो तो होना ही चाहिए. इसके साथ साथ अब देखा गया कि बच्चे फेल हो जाते थे, छोड़ देते थे बीच में, तो उनको बैक टू स्कूल कैंप्स, ब्रिज कोर्सेज है ना, इसके जरिए उनके एनरोलमेंट को बढ़ाने की कोशिश की गई. साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स आर ऑफ द व्यू दैट व्हाई दे शुड सेंड आउट देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, बिकॉज पॉवर्टी है, वी नीड आवर चिल्ड्रन टू वर्क, दे कैन बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर अस, दे शुड वर्क विद देम. अस हियर रेफर्स टू द पुअर पीपल हु आर सेइंग दिस, दे शुड वर्क फॉर अस, दे शुड रिमेन एट होम, है ना. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? ओके, तो एजुकेशन है प्रॉब्लम, हेल्थ है प्रॉब्लम. अब इसका दो तीर एक निशाना, क्या कहते हैं, एक तीर दो निशाना, ऐसे कहते हैं.
एक ऐसा तीर चलाओ कि दो निशाने फुलफिल हो जाए। इंडिया को एजुकेशन को भी देना है बच्चों को, और साथ ही साथ जो बच्चों में अंदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है उसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है, मैल न्यूट्रिशन से भी फाइट करना है, स्टार्वेशन से फाइट करना है। तो एक बहुत ही ड्रामेटिक स्कीम लाया गया, ड्रामेटिक इसलिए कह रहा हूं कि सिग्निफिकेंट चेंज लाता है एजुकेशन और हेल्थ में, दोनों में। बच्चों से कहा जाता है, जब पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चों को क्यों भेजें, तो कहते हैं बच्चों को मिड डे मील मिलेगा, भेजो तो सही, उनको खाने के लिए हम देंगे। पेरेंट्स कहते हैं अच्छा चलो ठीक है भेज देते हैं। बच्चे जाते हैं, उनको बुलाया जाता है आओ खाना खाने आओ, खाना मिल रहा है, जाएंगे खाना खाएंगे, चलो खाना खा लिए, अब देखो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, चलो इसको थोड़ा सा पढ़ो। तो खाना खाने जाना है, खाना खाते खाते पढ़ भी लेना है, खाना तभी मिलेगा जब पढ़ोगे, समझ में आ रही है बात? तो कैसे ड्यूअल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है? आप लोगों को मेरी बात आ रही है समझ में? यस सर सर, मैल न्यूट्रिशन और एजुकेशन दोनों एक साथ फुलफिल हो रहे हैं। इज इट क्लियर? तो अटेंडेंस और रिटेंशन दोनों ही बचाए रख रहे हैं, और न्यूट्रिशनल स्टेटस भी जो है बढ़ रहा है। ओके अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया एलिमेंट्री तक, हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है। पढ़ाई तो करा दिया, लिटरेट वगैरह बना दिए, हमें एनरोलमेंट रेशियो, एजुकेशनल एजुकेटेड पर्सन बनाना है लोगों को, हायर एजुकेशन में लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखना है 18 से 23 साल। और ये कोशिश की जा रही है कि ये 30% तक पहुंचे 2020-21 तक, अभी 30% भी नहीं है, 25.2% एज पर द डेटा ऑफ 2017-18। और ये कैसे किया जाएगा? अब इंडिया में जानते हो कि फाइनेंशियल बर्डन लोगों के ऊपर ज्यादा होती है, लोग सोचते हैं कि ड्रॉप आउट रेट्स भी ज्यादा है 10th के बाद 12th के बाद, है ना, फाइनेंशियल बर्डन होने के कारण वो दूसरा काम करने लगते हैं, काम पढ़ाई छोड़ के काम करने लगते हैं। ओके तो उनके लिए जो है कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, करिकुलम में मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन, नेटवर्क ऑन द इशू ऑफ इंफॉर्मेशन, नेटवर्किंग ऑन द इशू ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब अलग अलग तरीके से उनके अंदर उनको मौका देना कि आप अभी भी पढ़ सकते हो। अभी अभी रिसेंटली आपने सुना होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर कोई इंसान 3 साल के ग्रेजुएशन के कोर्स के दौरान किसी कारणवश 1 साल पढ़ के छोड़ देता है, तो जब दोबारा वो आएगा पढ़ने के लिए तो उसको वो 1 साल फिर से नहीं पढ़ना होगा, वो 2 रिमेनिंग 2 ईयर्स कंप्लीट करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। समझ में आ रहा है? इसको क्रेडिट yes, sir. अभी आप लोग आगे पढ़ोगे ये सब आएगा अभी, है ना, डिस्टेंस एजुकेशन, फॉर्मल एंड अनफॉर्मल जो है एजुकेशन को जोड़ना, आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बढ़ाना, तो इसके जरिए नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज वगैरह ज्यादा खुल रही हैं, लोगों का एनरोलमेंट बढ़ रहा है, और जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, उसको अचीव करने की तरफ। समझ में आया एजुकेशन पोर्शन सभी बच्चों को यहाँ पे? यस सर क्लियर है? ओके नेक्स्ट आते हैं हम हेल्थ, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशन, सेकंड हेल्थ। तो हेल्थ आपको मालूम है कि सपोज यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, अब बताओ कि विच वन इज बेटर, हेल्थ और एजुकेशन? चलो ये बताओ सर, दोनों। इफ अच्छा कोई एक पूछा जाए कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हेल्थ वेरी गुड है, और जब सर हेल्थ भी नहीं होगी तो फिर वो एजुकेशन कहां से करेगा? अच्छा ठीक है, और कोई एजुकेशन नहीं कहेगा सर? एक पूछा ना सर आपने, तो सर एजुकेशन भी जरूरी है सर, पर अगर हेल्थ को सर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैंने कहा कि हाँ, तो मैंने एक ही पूछा है, तो जैसे कुछ बच्चों ने हेल्थ कह दिया, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एजुकेशन कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे नन ऑफ द अबव कहेंगे। एजुकेशन में कौन कौन है, मतलब आप लोग हेल्थ हेल्दी पहले रहना चाहते हैं, एजुकेशन देख लेंगे सर रिलेट हो सकता है। हेलो ठीक है,
देखो एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, बट ऑफकोर्स यस हेल्थ विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इफ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ. सपोज इफ यू आर नॉट एन एजुकेटेड पर्सन, इफ यू आर एन हेल्दी पर्सन, आप सर्वाइव कर लोगे. ओके आप सर्वाइव कर लोगे, बट आप एजुकेटेड हैं और हेल्थ आपका नहीं है तो आप सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. बट ये कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर के तौर पे भी देखा जा सकता है. जो एजुकेटेड होता है वो हेल्दी होना चाहिए, उसको हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए. ओके अगर एक चाइल्ड की बर्थ के बाद से देखा जाए तो चाइल्ड अगर हेल्दी होता है, क्योंकि पहले वो एजुकेटेड नहीं होगा, पहले उसको क्या होना होगा, हेल्दी होना होगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. यस सर. ठीक है, वो हेल्दी रहेगा बच्चा जब उसका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, वो अच्छा न्यूट्रिशियस फूड ले रहा है, देन हिज ब्रेन हिज और हर ब्रेन विल वर्क मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली. कुछ भी पढ़ाओ तुरंत ग्रैब हो जाएगा. अब आप 10, 25, 100, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कोई चीज में एक बार में बोल रहा हूँ तुरंत ग्रैब उसको कैच कर ले रहे हैं. कुछ बच्चे थोड़ा लेट कैच कर हो सकता है कर रहे हो सकता है सभी कर रहे हो. तो ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आप एक न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हो रेगुलर, आपकी डाइट बहुत अच्छी है ना, आपका ब्रेन बहुत तेज काम करता है, आपको ये चीज पढ़ाई जाती है तुरंत याद कर लोगे, तुरंत उसको आपको याद आ जाएगा, तुरंत आप उसको कर जाओगे. और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, तो जो बच्चे थोड़ा हेल्दी कम है तो छुट्टी लेते हैं क्लास में, घर आज तबीयत नहीं ठीक है या फिर आज ये इशू है मैं इतने देर बैठ नहीं पा रहा हूँ, बैठ नहीं पाएंगे ज्यादा देर तक, यहाँ दर्द हो रहा है वहां दर्द हो रहा है, फिर उसके बाद कोई चीज भूल जाते हैं, पढ़ रहे हैं फिर भूल गए. भूलते तो सभी हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कोई कंप्यूटर है कि पढ़ लिया तो याद हो गया, बट वो टाइम पीरियड वेरी कर जाता है, कोई 3 दिन में भूलता है, कोई पढ़ के तुरंत ही भूल जाता है. सर 1 महीने में. हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हेल्दी कहने का ओवरऑल मतलब क्या था यहाँ पे कि हेल्दी होने से क्या होता है, सारी चीजें आपकी अच्छी होती हैं. ओके और एक एम्प्लॉयर भी किसी एक हेल्दी पर्सन को ही क्या करना चाहेगा, एम्प्लॉय करना चाहेगा, एम्प्लॉयमेंट देना चाहेगा. क्यों? क्योंकि वो हेल्दी है. एम्प्लॉयर को मालूम है ये छुट्टी नहीं लेगा इंसान, काम भी लोगों के कंपेयर में अच्छा करेगा, ठीक है इनको नौकरी दे दो. ठीक है, तो बेटर इम्यूनिटी जिसके पास होती है उसकी सर्वाइवल का चांसेस बढ़ जाता है. डार्विन्स की थ्योरी पढ़ी आपने, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपने नाम सुना है सर? चलो हाँ, तो एक बार रीड करो इस पोर्शन को तब मैं डिस्कस करूंगा. हेल्थ कौन बच्चा पढ़ेगा? कृष वर्मा पढ़ो. Sperm maximize profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as a healthy worker because of ill health? The health of a person helps him to realize his potential and the ability to fight unless an unhealthy person becomes a liability for an organization. Indeed, health is an in this dispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in health status of the population has been a priority of the country. Our national policy too aims to improving the accessibility of health care, family welfare and nutritional service with a special focus on the unprivileged segment of population. Over the last 5 decades, India has built up a vast health infrastructure and has developed manpower required at primary, secondary and tertiary sector in the public as well as a private sector. These measures have increased. Is it clear? Wait. Is it clear to everyone? Whatever he had read out now, right now. Yes, sir. Okay. So, infant mortality yes. rate और life expectancy हम लोग अभी पढ़ेंगे कहाँ पे है ये रहा. Infant mortality rate ये health से related है. आपके GSTSC और NTSC दोनों में आ सकता है. याद करना जरूरी है इसको. Is the death of a children below 1 year of age per 1000 live birth भी होगा इसमें, but नहीं include किया गया है.
तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इज द डेथ ऑफ अ चिल्ड्रन और अ चाइल्ड बिलो वन ईयर ऑफ एज। ओके, तो जहां पे आप जानते हो इन्फेंट एक साल के अंदर इन्फेंट को बहुत ज्यादा केयर करना होता है, बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन करना होता है, तभी वो इन्फेंट सर्वाइव कर पाता। तो जहां पे इलिटरेसी होगी, एजुकेशन कम होगा, ओके, वहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जा सकती है। केरल में देखोगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, पर वहां पे एजुकेटेड लोग, वहां पे एजुकेटेड लोग, उनको मालूम है हाइजीन का क्या रोल है लाइफ में। बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डेथ रेट बॉर्न का हो गया, यहाँ पे डाइट का हो जाएगा, है ना। ये तीनों चीजें याद रखिएगा अपने हेल्थ में। ओके, कैन कम इन योर एनटीएससी एज वेल एज एंड इन जीएसटीएससी। सर जीएसटीएससी का देखो नोटिफिकेशन जल्दी आएगा सर, 9th में होगा। हाँ, 9th में ही होगा, जीके आएगा आपका। ओके सर। हम लोगों ने हेल्थ को इंफ्रास्ट्रक्चर 50 नंबर का, 50 मार्क्स का, वही जो आपको आता है वही 50 मार्क्स का ही होगा। ओके, अब देयर आर मेनी प्लेसेस। अब हमें क्या, हमने क्या किया, इन ऑर्डर टू बूस्ट अप आवर हेल्थ सेक्टर वी नीड टू हैव मोर मेडिकल कॉलेजेस, मोर हॉस्पिटल्स, मोर डेंटल कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट हैड टू कैन इनिशिएटिव टू ओपन अप मोर मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, सो दैट वी कैन बिल्ड अप आवर हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और सबसे ज्यादा कॉलेज कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस यू कैन फाइंड इन द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। ओके, नाउ समझ में आया आप लोगों को क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, इज इट क्लियर टू एवरी वन? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नाउ द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल कम इन लाइमलाइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के केस में हम क्या देखते हैं, व्हाट वी सी इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमने कहा कि वी वॉन्ट टू मेक पीपल एज अ रिसोर्स, इट मीन्स दैट वी आर ट्राइंग टू चेंज आवर पीपल इन टू एन एसेट, ओके, थ्रू विच आवर ओवरऑल डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस। ठीक है, सो दैट दे ऑल्सो बिकम एन एसेट, सो दैट आवर ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स शुड टेक प्लेस। अब यहाँ पे देखेंगे होगा क्या कि देर इज अ सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वी वॉन्ट पीपल टू वर्क, ओके, बट द वेरी फर्स्ट कंडीशन टू मेक देम वर्क इज दैट देर शुड बी एन एसेट। वो क्या होने चाहिए, एसेट होने चाहिए। एसेट कैसे बनेंगे, आप एजुकेशन इम्पार्ट करोगे, आप कहोगे हेल्थ दिया, हेल्थ, फिर आप कहोगे सर स्किल, स्किल, चलो एसेट बना दिया। तो अब इनको जाओ क्या दिलाओ, एम्प्लॉयमेंट क्या दिलाओगे, एम्प्लॉयमेंट दिलाओगे, तभी तो ये वर्क करके दिखाएंगे दैट दे आर द एसेट्स। बट व्हाट यू विल फाइंड इन इंडिया, यू विल फाइंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यस सर। तो ये जो एसेट है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट विल चेंज इन टू लायबिलिटी। समझ में आ रही है बात? यस सर, यस सर। पढ़े लिखे हैं, जानकारी है, काम ही नहीं है, क्या करें, तो लायबिलिटी हो गए, बर्डन हो गए, स्ट्रेस में आ गए। ओके, यस सर, इसमें आ गए, स्ट्रेस में आ गए, लायबिलिटी बन गए। अब अनएम्प्लॉयमेंट और ये लायबिलिटी बन गए, तो अब हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या, कैसा सिचुएशन है। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें गोइंग वेजेस में, गोइंग वेजेस मतलब जो पैसे मिल रहे हैं, इसमें कोई काम करना चाहता है, विलिंग टू वर्क, इफ समवन विलिंग टू वर्क ऑन गोइंग वेजेस एंड नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब, एंड नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब, तो क्या है, अ सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
दिस इज व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट नोन एज. समझ में आया? समझ में आया? यस सर. पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, पीपल हु आर विलिंग टू वर्क ऑन गोइंग वेजेस बट कुड नॉट फाइंड अ जॉब, ओके, देन द सिचुएशन इज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज वॉट अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स. काम तो करना चाहते हो, जो पैसा मिल रहा है उसी पैसे में करना चाहते हो, चलो इसी में दो, बट नहीं मिल रहा है तब ये केस है अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, आई होप क्लियर होगा सभी बच्चों को. यस सर. हाँ, इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब. Okay, Sheila is not interested in working outside her domestic domain. Jitu and Situ are too small to be counted in the workforce population. Neither Jitu, Situ and Sheila. Sheila अपने घर से बाहर काम नहीं करना चाहती है. अगर वो घर से बाहर काम करना चाहेगी और उसको जब काम नहीं मिलेगा तब वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगी ना. Yes sir. Yes sir. तो अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क फोर्स पॉपुलेशन की ईयर क्या होती है तो 15 इयर्स टू 59 इयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. एनटीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है. किसने पूछा हुआ क्वेश्चन है? एनटीएससी. ओके. यस सर. सर पर बहुत सारी जॉब होती है सर जिनमें एज लिमिट सर इससे हाई होती है सर, तो वो फिर से बोलो, आवाज आपकी कट रही है. कुछ माइक इशू है आपके. बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसमें सर, बहुत सारी जॉब्स होती हैं सर जिसमें एज लिमिट जो होती है सर वो 59 से भी ज्यादा होती है सर, तो उनका कैसे काउंट होगा सर? तो वो भी काउंट होते हैं. वर्क फोर्स का जो ओवरऑल जो पॉपुलेशन देखा जाता है वो यही है 15 इयर्स टू 59 इयर्स. उसके बाद आपका अगर आफ्टर दैट इफ यू आर वर्किंग दैट इज ऑन अ वॉलंटरली बेसिस. अब जैसे हाई कोर्ट के आपके जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, सीएजी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये सब 62-65 ऐसे चलते हैं. उसके बाद भी चलते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं. सो दैट इज ऑन अ वॉलंटियर बेसिस. मीन्स एज एन इफ यू टॉक अबाउट एन स्टैंडर्ड then the standard age of working is 15 years to 59 years in India. समझ में आई बात? सर एवरेज, सर एवरेज ले लो. हाँ, तो मत एवरेज या फिर यही वर्किंग है. उसके बाद रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं जहां पे नहीं होता है. 60 years पे रिटायरमेंट होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, अनऑर्गेनाइज में भी देख लेते हैं बट ऑर्गेनाइज में पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे डिस्कस. 60 साल में रिटायरमेंट, उसके बाद आप काम करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. दैट विल बी ऑन वॉलंटियर बेसिस. वो डिपेंड, वो वेरी करता है फिर उसका. हाँ, वो लोग कोई कुछ कह रहे हैं. कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है कहो. सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे जिनमें सर 15 इयर्स से नीचे के चाइल्ड्स भी सर काम करते, तो चाइल्ड लेबर है, दैट शुड नॉट बी डन. आप देखो 6 से 14 साल तो जो है गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई रही है. 6 से 14 साल तक तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है, तो दे शुड वर्क, गो एंड वर्क. अब इन सम केसेस वी इफ वी आर नोटिसिंग दैट आवर चिल्ड्रन आर वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस देन दैट्स अ लूप होल. गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर दिस. दे शुड टेक एन एडिक्वेट मेजर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, है ना. So there are, yes, exceptions also where we can find that children are working below the age of 15. You can different shops. Okay? Also child labor bhi, ab dekho child labor ka bhi aa jata hai isme. Sir. Jo ki ek constitutional violation hai, like as per article 24. Okay? Kisi ka koi doubt hai aur? Sir, but there's an example in which sir a 13-year-old started his own company. Sir, वो भी child labor में ही आएगा. Company में काम कर रहे हैं 13-year-old.
थर्टीन ईयर ओल्ड सर कंपनी के सीईओ, कंपनी के सीईओ में है, 13 ईयर ओल्ड काम करने जा रहे हैं, रेगुलर 8 आवर्स के वर्किंग है सर। 15 का तो है, 13 का नहीं है कहीं। आप रुको मुझे, 8 आवर्स की वर्किंग है सर, कुछ तो है सर। नाम लगा दिया आपने, सीईओ नहीं है, वो माइनर है, वो जो भी होंगे माइनर होंगे, उनको पढ़ाई पहले करनी है। इवन जो आप स्कूल में जो आप डिफरेंट मूवीज वगैरह में जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए भी मैंडेटरी है कि आप पढ़ाई करें, उनसे ज्यादा काम नहीं करा सकता कोई। आप देखते हो ना डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्रीज में बच्चे भी काम करते हैं, लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो फॉलो करना पड़ता है। आप सर्टेन टाइम के लिए काम करा लो, 8 घंटे से नौकरी नहीं कराई जाती है, वो भी 13 साल के बच्चे से। ओके मैं एक होलिस्टिक एक जनरल बात बता रहा हूँ, 15 to 59 इज अ ईयर ऑफ, इज एन एज ऑफ वर्क, इज अ वर्किंग वर्कफोर्स पॉपुलेशन एज। ओके इज इट क्लियर? हमें एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है? यस सर। अब इन इंडिया यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग। ओके द मोस्ट एंड द मोस्ट प्रिवेलेंट वन is seasonal and disguised, particularly in rural and urban areas we have to demarcate. Okay, in rural areas you will find seasonal and disguised. Okay, what seasonal and disguised mein kya hai antar, abhi hum dekhte hain. Seasonal mein, as the name suggests, seasonal means there will be an employment but that will be on season basis. Ek season mein kaam hai aur dusre season mein kaam nahi hai. क्रॉप रबी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ग्रो हो गया, हार्वेस्टिंग हो गई, फिर उसके बाद का सीजन में काम नहीं है, बैठे अनएम्प्लॉयड हो गए, फिर दूसरे सीजन में काम मिल गया, तो दिस इज व्हाट नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन रूरल इंडिया। नाउ द सेकंड वन इज डिसगाइज्ड, ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। व्हाट डज दिस stands for hidden unemployment means you cannot recognize these people that they are unemployed but in real sense they are unemployed. Aap recognize nahi kar paoge ki ye employed hai ya nahi hai, but in real sense they are aap nahi recognize kar paoge ki ye employed nahi hai, aapko lagega ki employed hai, they are working, they are employed, but in real sense they are unemployed. Hota kya hai, सपोज दिस इज अ पैच ऑफ लैंड, ओके यहाँ पे इसमें मैक्सिमम हम 10 क्विंटल अनाज ग्रो कर सकते हैं, कितने क्विंटल, 10 क्विंटल, 3 लोग अगर काम करें तो 10 क्विंटल हम अनाज इसमें ग्रो कर सकते हैं बड़े आसानी से। बट किसी फैमिली में देखा जाता है, इन अ फैमिली देयर आर 8 मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 8 मेंबर्स, और वो 8 मेंबर्स जाके यहाँ पे काम करते हैं, why they all are working, why not only 3, because they are family. If one person is working somewhere you need to work, rest of the people should also work over there. Ek kaam kare aur saath baithe rahe to acha nahi lagega na, ya 3 kaam kare 5 baithe rahe acha nahi lagega, if we talk about our family. Yes sir. So they all will work, all people will work over here, 8 people, productivity will change, no, because land is fixed. Land fixed padha hai story of village palak? Yes sir. Yes sir. 10 quintal hai, 20 quintal hi hoga. So this 5 people, okay, these 5 people are disguised unemployed, hidden unemployment. It will appear that these 5 people are working in the field, they are employed, बट इन रियल सेंस दे आर अनएम्प्लॉयड। अगर 3 है तो भी काम उतना ही होगा और वो भी तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा। तो मोर देन रिक्वायर्ड पर्संस इफ वर्किंग और इफ डूइंग अ वर्क पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चरल फील्ड विल बी कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, विल बी द विल बी इंक्लूडेड इन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर।
नहीं है. सो दिस इज व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू ओवर हियर. ओके सो किसी बच्चे का कोई डाउट है अभी तक तो एक बार पूछ लो. वट एवर वी हैड डिड टिल डेट टिल नाउ. ओके आपको सबसे इम्पोर्टेंट सर्व शिक्षा अभियान बैक टू स्कूल प्रोग्राम है. ठीक है बहुत इम्पोर्टेंट है. आपके एग्जाम में आना आना है. आप में से अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपके इनके स्कूल में आएगा उनके स्कूल में नहीं. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जब देखा है पेपर डिफरेंट नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चों का, मैं तो देखते रहता हूँ अलग अलग स्कूल के क्वेश्चन पेपर, तो मैंने उसमें रिव्यू किया है दैट मोस्ट ऑफ देम प्रिफर सर्व शिक्षा अभियान इन देयर क्वेश्चन पेपर. अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव डन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज ओवरऑल लिटरेसी रेट. दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेसी रेट. दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट. द स्टेट विद मैक्सिमम लिटरेसी रेट, द स्टेट विद मिनिमम लिटरेसी रेट. ओके वर्चुअस साइकिल, वीसीएस साइकिल. आप सभी ने जो है नोट्स बना के भेजे नहीं है मुझे होमवर्क. आई नो द रीजन बिहाइंड इट. चैप कंप्लीट होने के बाद सर चैप्टर कंप्लीट होने का देखता हूं सर. सर एक साथ पूरे सर मैंने तो आपको चार पांच चैप्टर के तो भेज भी रखे हैं. एक हाँ, एक तो, एक बच रहा है तो बेटा सबको कंप्लीट करना है ना, सारा कंप्लीट करके भेजना है. ओके ओके सर मैंने तब तक भेज दूंगा सर. चलिए तो हमारे तो लोग के पास सर पीटीएम नहीं होने दी सर, वो कब होगी? अब देखो आपके ये एकेडमिक डिपार्टमेंट आपको ये इन्फॉर्म कर देंगे इससे रिलेटेड कि कब होगी, बट सून आई थिंक वो कंडक्ट कराई जाएगी. ओके चलिए ठीक है. आप लोगों से फिर